अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैंने सोचा कि क्यों ना आपको अपने वो प्लांट दिखाऊं जो कुछ अर्से पहले हमने कटिंग से ग्रो किए थे, कुछ हमने मल्टीप्लाई किए थे। इसमें स्नेक प्लांट शामिल है, इसके अलावा आप ये देखें ये वाला प्लांट शामिल है, इसके अलावा जेड प्लांट शामिल है, और बहुत अच्छा मतलब इसका रिज़ल्ट रहा है। और आपको मैंने दिखाया था इसको लगाना कि मैंने होल कर दिए थे, उसके बाद मैंने फिर ये लगाए और देखिए इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। मैंने इसको रखा हुआ है छोटी प्लेस में, मैंने इसको अभी तक धूप में नहीं रखा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितने दिन पहले लगाया था, आप इन चैनल पर देख सकते हैं तब मैंने इनको लगाया था, और बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं अभी तक, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और मैंने छोटी प्लेस में रखा, अब बहुत ज़्यादा मैं पानी नहीं डालती हूँ इसलिए कि इसके नीचे बल्ब होते हैं, बल्ब मतलब इसकी जो रूट्स होती हैं, बल्ब कह रही हूँ, इसकी जो रूट्स होती हैं वो गल जाती हैं अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे। तो स्नेक प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है, बहुत ज़्यादा, वरना ये ख़राब हो जाता है। तो देखिए ये अभी इसमें दो मैंने छोड़े थे और इसमें मैंने कई लगाए थे और सभी ठीक हैं, ये वाला भी ठीक है, और जेड प्लांट जितने लगाए थे हमने सारे ही माशाल्लाह से सब ग्रो कर गए हैं। और अब मैं सोची हूँ कि इनको अलग अलग प्लांटर्स में बनाऊँ, ऊपर से मतलब हैंग करूँ, और हैंगिंग प्लांटर्स भी खुद बनाऊँ। कुछ इंशाल्लाह जल्दी मैं प्लांटर बनाने वाली हूँ तो आपको दिखाऊँगी। प्लास्टिक की बहुत सारी बॉटल्स मेरे पास हैं, इतनी सारी इस्तेमाल होती हैं, निकलती हैं, तो क्यों ना हम उनको इस्तेमाल करें। तो उनमें बना के मैं ये लगाऊँगी, सोच रही हूँ मैं उनमें बना के उनको हैंग करूँ। आप देखें ये प्लांट भी, स्नेक प्लांट भी मेरा काफ़ी अच्छा हो गया है। ये तो मैंने अभी नहीं किया लेकिन मेरा दिल चाह रहा है इसको भी जल्दी से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। देखें इसमें भी है, और पीछे जो ये दो हैं ये उस दिन दिखाया था मैंने आपको शुरू में जब वीडियो बनाई थी, तो कितने छोटे छोटे से थे देखा होगा आपने, इतने तेज़ी में ये बड़े हुए और माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए। तो मैं सोचूँ इस सबको चार पाँच जो हैं वो तीन चार प्लांटर में मैं अलग कर दूँ, तो जब मैं कर लूँगी तो आपको दिखाऊँगी। इसलिए कि एक को तो मैंने आपको लगाना सिखा दिया है, बिल्कुल ऐसे ही इसको भी करेंगे, ये भी स्नेक प्लांट है। और आप ये देखिए मेरे फर्न का जो था जो मैंने आपको बताया था, तो ये देखें कितना अच्छा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। और एक प्रॉब्लम मेरे साथ हमेशा रहती है कि मेरे प्लांट्स इतने लंबे लंबे हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं कि क्या करूं। अब ये देखिए, अब आप ये देखें ये कहाँ जा रहा है, इसके लीव इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और इसको मुझे अभी ऐसे बांधूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अब बांधना पड़ेगा नीचे से। और ये मुसलसल, हालाँकि ये इतना अंदर की तरफ लगा हुआ है, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक मैं अंदर ले जाऊं अपने, अभी इसके प्लांटर पे भी मैं जो पॉट बनाया, ये मेरा ग्लास है, आप देखिए ग्लास है, ये मैकडोनल्ड में मिलता है, बच्चे जब खाते हैं तो अक्सर ये उनके साथ ये ग्लास भी मिले, तो ये ग्लास मैंने फिर ले लिया। मैंने कहा चले मैं इसमें कुछ ना कुछ लगाती हूँ। और ये देखिए आप, ये इसके लीव भी इतने बड़े बड़े हो गए, इसके नीचे होल नहीं है। सो मैंने इसमें ऐसी मिट्टी डाली है जो बहुत ज़्यादा गिरी, वही जो तरीका मैंने आपको दिखाया बताया हुआ है लगाने का, कि नीचे स्टोन रख दीजिए बहुत सारे, उसके ऊपर आप कोकोपीट डाल दीजिए और थोड़ी सी सैंड डाल दीजिए, मतलब नीचे पानी चला जाए, पानी ऊपर ना रहे, अच्छे मतलब सैंड से मैंने बालू मिट्टी से रखा ताकि पानी तेज़ी से नीचे चला जाए, और थोड़ी सी गोबर की खाद डाल दी है। तो आप देखिए कितना अच्छा हो गया, ये भी इतना बड़ा हो रहा है, हालांकि मैंने बहुत अंदर लगा दिया, लेकिन चूँकि लीव्स मेरे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो चलिए मैं इसका भी कुछ करूँगी, इसलिए कि इसको भी ऐसे बांधना पड़ेगा तब जाके ये खूबसूरत लगेगा। अभी देखिए ये भी कितना हो रहा है, तो ये सब हो रहा है, ये भी काफ़ी अंदर लगा, इसको भी मैं मज़ीद निकालूँगी, और ये एक मैंने निकाल के लगा दिया है अभी, और इसको भी मैं अभी करूँगी, ये तो अभी मैं देखूँगी चेक करूँगी, ये तो मैंने इतना अंदर नहीं लगाया, ये तो मैंने ऊपर ही ऐसे लगा दिया था, और अभी इसको लगाऊँगी। तो आप भी कर सकते हैं कि आप एक प्लांट लाएं, पॉट लाएं, और उससे फिर आप बहुत सारे जो हैं वो प्लांट तैयार कर लीजिए, अलग अलग पॉट में लगाइए। देखिए ये नया प्लांट अभी लीव निकल रहा है। तो इस तरह से मेरे बास प्लांट इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, आप यकीन जाने वो समझ में नहीं आता कि क्या करूँ मैं उसका, इसलिए कि फिर वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है, फिर वो इतने बड़े हो जाते हैं, फिर आप बहुत सारी जगह घेर लेते हैं। इसी तरह मेरा एक प्लांट है जो उसका है, ये समझिए क्रोटन का है, वो इतना बड़ा हो गया है कि अब वो बहुत बड़ा हो गया। चलिए वो उस तरफ मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने तो सोचा कि आपको दिखाई दे, चलिए आपको दिखाऊँ, आप भी हैरान होंगे तो कितना बड़ा हो गया। अभी मैंने खाली यहाँ पानी भी नहीं सही से डाला है, मैं इसको अंदर से निकालूँ, क्यों निकल सकता है कि नहीं, मैं आपको ले कर चलती हूँ। आप देखिए ये क्रोटन, ये प्लांट मैंने बहुत छोटा सा लिया था और अब ये इतना बड़ा हो गया है, ये देखिए मैं आपको यहाँ रख के दिखाती हूँ। ओके, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए
ये इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और एक छोटा सा मैंने ये प्लांट लिया था जब वहाँ पर नर्सरी गई तो ये छोटे छोटे शॉपर्स में ऐसे रखा हुआ था साइड में, तो मैंने सोचा कि इसके लीव्स बड़े क्यूट्स हैं तो मैं क्यों ना इसको ले लूँ। बहुत छोटा सा था, आप यकीन जाने जैसे ये है ना, ये जब है तो ये इतना बड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, इतनी बड़ा खाली ब्रांच, इतनी बड़ी ब्रांच लगी हुई थी, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी लगी हुई थी, एक लीव दो लीव थे, बाकी सब सूखा हुआ था। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ चलिए ले लीजिए 30 रुपीज़ का, आप ये ले लीजिए, छोटे से बिल्कुल छोटे से इतने बड़े से शॉपर में लगा हुआ था। और अब आप देखिए इसको, ये इतना ज़बरदस्त हो गया है, इसमें फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। और फिर मैंने वही पिंचिंग मेथड किया, आप ये देखिए मैंने कितनी जगह से इसको पिंचिंग की है, आप देखिए जगह जगह से की, और देखें आप कितनी ये सारा बड़ा होता जा रहा है, देखिए आप। तो मैं आपको मुसलसल पिंचिंग मेथड भी बताती हूँ। जैसे कि ये ना, पहले मैंने क्या किया पता है, यहाँ से लिया मैंने एक, उसकी भी तोड़ दी, उसके 2-3 शाखें निकली, उसको मैंने तोड़ा। अब आप देखिए कि ये जो मैंने यहाँ से पिंचिंग की, देखिए ये आपको अभी पता चलता है, देखिए ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये यहाँ से मैंने पिंचिंग की थी, तोड़ दी थी उसकी जो नई शूट निकल रही थी, उसने इसको 3-4 ये नई शूट निकाल दी है। अब अगर मैं ये तोड़ दूँ तो यहाँ से 5-6 और निकलेंगी, और मैं करूँगी भी ये है ना, देखिए ये है ना, ये इसको मैंने ऐसे तोड़ दिया, ये देखिए ये तोड़ दिया ना, ये एक को तोड़ा, चले आज मैं तोड़ भी देती हूँ, मैं फिर आपके साथ ही तोड़ लेती हूँ। ये है ना बीच का, इसके बीच के ये तो नहीं निकल दिए, इसको तोड़ दीजिए। अब ये दो निकलेंगी, ये दो निकलेंगी, अब सोचिए कितना ज़बरदस्त ये कंजेस्टेड हो जाएगा, मेरा बड़ा हो जाएगा, ये तोड़ दिया। तो मेरे प्लांट माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और किसी दिन मैं आपको अपने सारे बड़े प्लांट दिखाऊंगी, कुछ को तो मैंने कटिंग भी कर दी है, ये देखिए इस तरह से मैं सब तोड़ती चली जाऊँगी। तो होगा ये कि मेरा ये प्लांट जो है ये देखिए कितना बड़ा हो गया, छोटा सा गमला है, और आप प्लांट को देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और इसके कलर कॉम्बिनेशन इतने खूबसूरत हैं, इसके लीव्स आप देखिए कितने प्यारे हैं। तो इस तरह से प्लांट जो हैं वो आप मतलब जैसे ये मैंने दिखाया आपको, मल्टीप्लाई भी कीजिए, और इस तरह से आप उनकी बुशी भी बनाइए। अब जब रेनी सीज़न आएगा तो मैं इसकी ब्रांचेस लगाऊंगी काट के, ट्राई ज़रूर करूंगी मैं इस प्लांट की। वैसे तो मैंने बहुत से लगाए, सभी मेरे माशाल्लाह से कटिंग लग जाती हैं, तो मैं इसकी भी करूँगी। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स को मल्टीप्लाई कीजिए, मुख्तलिफ पॉट्स में लगाइए, और किसी भी प्लास्टिक के प्यारे प्यारे से ग्लास होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें होती हैं, उनमें लगाइए आप। और फिर जैसे कि ये है, अब आप इस पर इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम इनको डेकोरेट कर सकते हैं, स्टोन्स लगा सकते हैं, मुख्तलिफ फ्लावर्स बना सकते हैं, तो बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो बस मैंने सोचा कि चूँकि मैं आज कुछ इसी तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह जब बना लूँगी तो आपको दिखाऊँगी कि मैंने क्या किया है, इसलिए कि जब टाइम मिलता है तो इंसान का दिल पे चाहता है मज़े मज़े के काम करने को, और प्लांट्स को जब अच्छे तरीके से इनमें ग्रोथ हो रही हो, अच्छे हो रहे हों, तो फिर उनके लिए प्लांटर्स बनाने का दिल भी चाहता है। इसलिए कि बाज़ार से बार बार प्लांटर ला के ले तो आते हैं, लेकिन जो हम खुद बनाते हैं उसकी बात ही और होती है। मैंने बहुत से प्लांटर बनाए भी हैं अभी नए, और कुछ बना भी रही हूँ, और चलिए इसमें से कुछ आपको दिखाऊंगी भी, बना के भी बनाना भी सिखा दूंगी, वो आपको यकीन आते होंगे, लेकिन चलें फिर भी मैं आपको बनाना ज़रूर सिखाऊंगी इसमें से। चलिए इससे पहले कि मैं ये करूँ आपको एक नज़र दिखाती हूँ मेरे प्लांट्स की, कुछ मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, और एक दो प्लांट ऐसे हैं एक्चुअली मुझे उसका नाम भी नहीं पता है, और मैं सोचती रहती हूँ कि क्या नाम है, इतने अरसे से मैं लगा रही हूँ, लेकिन अगर हम किसी नर्सरी से मैं पूछती भी हूँ तो वो ऐसे नाम बताते हैं जो मेरे समझ में नहीं आते। जैसे कि मेरा ये प्लांट है, इस प्लांट को सारे लोग कहते हैं कि नीली प्लांट है, हालांकि ये नीला तो कुछ नहीं है इसके अंदर, अभी मुझे इसके बारे में भी मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है ज़रूर बताइएगा। इसलिए कि मैंने छोटा सा ये लिया था, अब मेरे पास इतने बड़े बड़े इसके प्लांट हो गए हैं, और ये वाला आप देखें इसके नीचे भी कितने सारे, देखें आप ये देखें कितने सारे इसके निकल रहे हैं, तो ये प्लांट भी इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, इतना ज़बरदस्त हो रहा है और कितने अरसे से लगा हुआ है। इसी तरह मैं आपको दिखाती हूँ अपने और प्लांट्स, ये देखिए सारे प्लांट में सारे प्लांट ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं, स्पेरिकस फर्न भी जो है अच्छा है, ये जो मेरा फॉक्स टेल फर्न है ये भी बहुत अच्छा हो रहा है, साथ मेरा कोलियस भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, ये स्पाइडर प्लांट देखिए ये कितना अच्छा हो रहा है, मम्फोनिया देखिए आप, ये देखिए ये मेरी यहाँ पर इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है, आप ये देखिए, और ये देखिए मेरा ये प्लांट, इस प्लांट का भी मेरे पास काफ़ी अच्छा लगा है, मुझे इसका नाम भी नहीं पता है, कि यार जानती हूँ सब जानती हूँ लेकिन नाम नहीं पता मुझे। अब आप अगर पहचानते हो मैं आपको दिखाऊं, अगर आप पहचानते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए इतने फ्लावर्स इतने प्यारे हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कोई माली वगैरह आए तो मैं उससे पूछूँ
किसी कोई प्लांट वाला यहाँ दरवाजे से गुजरे तो मैं उससे पूछूँ कि इसका नाम क्या है इस प्लांट का, तभी मैं आपको इसकी केयर के बारे में बताऊँ। अब मैं बता तो दूँ केयर के बारे में, लेकिन मुझे नाम तो पता ही नहीं है, तो मैं वीडियो कैसे डालूँगी। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।